हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में हम इस सीरीज़ को प्रिंट कराने वाले हैं, नंबर्स का जो भी सीरीज़ है इसे प्रिंट कराने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में क्या खास बात है कि जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रीवियस टू नंबर्स का एडिशन हमारा नेक्स्ट नंबर बन रहा था, जैसे कि आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक, इससे पहले के वीडियो में, ठीक है। तो इस नंबर सीरीज़ में क्या खास बात है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू प्रीवियस नंबर द नेक्स्ट नंबर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट नंबर हमारा बन रहा है, फिर यहाँ पर टू और टू का मल्टीप्लाई करके फोर बन रहा है, तो नेक्स्ट नंबर ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट बन जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट नंबर एट बन रहा है। तो इस तरह से आज का हम पैटर्न को प्रिंट कराने वाले हैं, यानी कि सीरीज़ को प्रिंट कराने वाले हैं, नंबर्स की सीरीज़ को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसमें लॉजिक को लगाया जाता है और इस सीरीज़ को प्रिंट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर यहाँ पर इंट मैन, यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल ले लेंगे सी और डी, फिर यहाँ पर हम फोर लूप बनाएंगे। फोर लूप में हम जितनी बार लूप को घुमाना चाहें उतनी बार घुमा सकते हैं, तो हम अभी फोर लूप को पांच बार घुमाना चाहते हैं, तो हम पांच यहाँ पर लिख दिए, तो ये पांच बार लूप हमारा घूमेगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर प्रिंटफ लगते हैं, प्रिंटफ में होगा परसेंट डी बैक स्लैश टी, और बी के वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे, जो भी हमारा बी का वैल्यू उसे हम प्रिंट कर देंगे। और ये सिंपल पहले इस तरह से एक प्रोग्राम बना लिए, इसको अगर रन कराएंगे तो अटेंडम वैल्यू कुछ भी जो भी आप प्रिंट कराना चाहें नहीं कराना चाहें वो अटेंडम में दिखाएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, लॉजिक क्या लगाते हैं कि हम जो डी वेरिएबल बनाए हैं डी इज इक्वल टू हम बी कर देते हैं, यानी कि बी का जो भी वैल्यू रहेगा वो डी पर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम b को कैलकुलेट करेंगे तो b इज इक्वल टू c इंटू डी, और फिर c का वैल्यू हमारा क्या होगा तो c इज इक्वल टू d रहेगा, ठीक है, इतना होगा। लेकिन हमें b और c और d का वैल्यू तो कुछ रखना पड़ेगा, तो हम b का वैल्यू 1 रखेंगे, और यहाँ पर जैसे कि कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं c प्लस d हो रहा है, तो d का वैल्यू तो यहाँ से हो जाएगा, b का अगर वैल्यू 1 है तो d का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन c का वैल्यू तो कुछ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रख दिए। तब अब इसे आगे बढ़ाते हैं, रन किए जब, तो यहाँ पर सिर्फ 1 1 ही प्रिंट होगा, क्योंकि 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वो सिर्फ 1 ही प्रिंट करेगा और कुछ भी नहीं, जैसे कि आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर 1 ना रखकर 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 2 आएगा आंसर, और 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 आएगा, और 4 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा जो जितना भी आए अब। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट नंबर चाहते हैं तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, 5 की जगह पर 6 लिख दिए तो नेक्स्ट नंबर आ गया, और इसे 7 लिख देंगे तो नेक्स्ट नंबर, 8 लिख देंगे तो उससे भी नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पर मान लीजिए हम 9 लिख देते हैं, तो 9 करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से नंबर आएगा। इन सब का मल्टीप्लाई होगा, जैसे पिछली वीडियो में हुआ था कि एडिशन हो रहा था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट नंबर हमारा बन रहा है। तो इस तरह से हम लॉजिक को लगा सकते हैं और अपने इस सीरीज़ को, नंबर्स के सीरीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो, कोई किसी भी तरह का परेशानी हो, अगर बनाने नहीं आ रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें, ताकि हम उसको अच्छी तरह से आपको समझा सकें, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।